टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का ये चौथा वीडियो है। सभी का स्वागत। इस वीडियो में हम लोग टेंजेंसी डिस्कस करेंगे, यानी किसी कर्व को कोई लाइन किस कंडीशन पर छुएगी। तो भैया बड़ा साफ कंसेप्ट है, कोई भी लाइन किसी कर्व को छूना चाहती है तो वो टेंजेंट लाइन बन जाए, क्योंकि छूने छाने का काम किसका होता है? टेंजेंट लाइन का। ऐसे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़िएगा तो वहाँ सरफेस को छूने का काम किसका होगा? टेंजेंट प्लेन का। तो अगर कोई प्लेन किसी सरफेस को छूना चाहता है तो वो उसका टेंजेंट प्लेन बन जाए। आइए लौटाइए टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में। कर्व की बात है और टेंजेंट लाइन की बात है। एक एग्जांपल आइए हम लोग करें। द कर्व एक्स अपॉन ए होल टू दी पावर एन प्लस वाई अपॉन बी होल टू दी पावर एन इक्वल्स टू टू टचेस द स्ट्रेट लाइन को राइट लाइन भी कहते हैं, और अगर केवल लाइन लिख दिया जाए तब भी स्ट्रेट लाइन ही समझिएगा। टचेस द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू टू एट ए बी एट द पॉइंट ए बी वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, एन का मान चाहे जो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ये कर्व इस लाइन को छूता है इस पॉइंट पर, एन का मान चाहे जो। कर्व लाइन को छूता है, जबकि हम ये दिखाएंगे कि लाइन कर्व को छूता है, तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? कर्व लाइन को छुए या लाइन कर्व को छुए, बात एक ही है। ये कर्व है और ये कर्व को छूने वाली लाइन है, तो हम कह सकते हैं कर्व लाइन को छू रहा है। हम ये भी तो कह सकते हैं लाइन कर्व को छू रहा है। तो ये छुआ छुई का कंसेप्ट क्लियर हो रहा है ना। एक्स अपॉन ए होल टू दी पावर एन प्लस वाई अपॉन बी होल टू दी पावर एन इक्वल्स टू टू, नंबर एक, डिफरेंशिएटिंग इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट एन अपॉन ए एक्स बाई ए होल टू दी पावर एन माइनस वन प्लस एन अपॉन बी वाई अपॉन बी होल टू दी पावर एन माइनस वन इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो। एन कॉमन लेके उधर फेंक दीजिए जीरो के पास। इम्प्लाइज दैट वन बाई ए एक्स बाई ए होल टू दी पावर एन माइनस वन प्लस वन बाई बी वाई बाई बी होल टू दी पावर एन माइनस वन इंटू वाई डैश इक्वल टू जीरो। इम्प्लाइज दैट वाई डैश इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटू एक्स बाई ए होल टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन वन बाई बी इंटू वाई अपॉन बी होल टू दी पावर एन माइनस वन। पॉइंट ए बी है। अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट ए बी पर निकालने जा रहे हैं। The slope of the tangent to the curve, tangent to the curve at AB is, tangent to the curve at AB का स्लोप M से डिनोट कर दे रहा है, और ये बराबर होगा dy by dx की वैल्यू पॉइंट AB पर। x की जगह ए, वाई की जगह बी रखोगे तो यहाँ ए बाई ए वन हो जाएगा, ये भी वन हो जाएगा, ये बचेगा दिस अपान दिस माइनस वन अपान ए अपान वन अपान बी इक्वल टू माइनस बी अपान ए। तो ए बी पर टेंजेंट कैसी लाइन है? ए बी पर टेंजेंट वो लाइन है जो पॉइंट ए बी से होके जाती है और जिसका स्लोप एम है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या होगा? वाई माइनस वाई वन बराबर एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट हम लिखने जा रहे हैं। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
टू द कर्व एट ए बी इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अर्थात इस संदर्भ में इसको फॉर्मुलेट करिए, y माइनस बी इक्वल टू एम माइनस बी बाई ए इंटू एक्स माइनस ए, यही है। इक्वल टू माइनस बी एक्स बाई ए और दिस इंटू दिस प्लस, इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा बी। अब क्या करें बताएं, इंप्लाइज दैट वाई प्लस बी एक्स बाई ए इक्वल टू, ये उधर जाके हो जाएगा टू बी, बी से डिवाइड कर दें, इंप्लाइज दैट वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए इक्वल टू टू। तो अब क्वेश्चन को पढ़िए, वही लाइन आ गई। ये टेंजेंट का इक्वेशन है ना, तो ये कर्व कुछ हुएगी। दस द लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू टू टचेज द कर्व एक्स अपॉन ए होल टू द पावर एन प्लस वाई अपॉन बी होल टू द पावर एन इक्वल टू टू एट ए बी। इस पूरी बातचीत में एन की कोई भूमिका नहीं, वो तो आपने डिफरेंशिएट किया तभी से पता चलने लगा कि एन की कोई भूमिका नहीं। जब पॉइंट ए बी पर ले लिया ना, तो ए अपान ए वन हो गया, वन टू दी पावर एन माइनस वन वन हो गया। तो वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन, अर्थात अब इसी को उस टोन में लिख दो जिस टोन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा कि ये इसको टच कर रहा है, तो उलट के लिख दो भाई, दैट इज द कर्व एक्स अपान ए होल टू दी पावर एन प्लस वाई अपान बी होल टू दी पावर एन इक्वल टू टू टचेज द स्ट्रेट लाइन एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू टू एट ए बी। एन का मान चाहे जो हो, वट एवर बी द वैल्यू ऑफ एन। ये जब आप निकाले थे ए बी पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो यहां पर जो टर्म था ना x बाई ए होल टू दी पावर एन माइनस वन, तो x की जगह a रखने के कारण वो वन हो गया, n की भूमिका ही खत्म हो गई। ऐसे ही नीचे भी खत्म हो गई n की भूमिका, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट में n खत्म हो गया, n से कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो n का मान चाहे जो ये घटना घटेगी। आइए एग्जाम्पल नंबर टू देखें। अब एग्जाम्पल नंबर टू थोड़ा सा अलग फ्लेवर का होगा, उसमें हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकालेंगे। इसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल के ही बातचीत पूरी कर दी। मिटाते हैं, एग्जाम्पल टू Find the condition that the line x cos alpha plus y sin alpha equal to p touches the curve x upon a whole to the power n upon n minus 1 plus
वाई अपॉन बी होल टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू वन, फुल स्टॉप। थोड़ा सोल्यूशन इसका भारी पड़ेगा ऐसा मैं अंदाज लगा रहा हूं। एक्स अपान ए होल टू द पावर एन अपान एन माइनस वन प्लस वाई अपान बी होल टू द पावर एन अपान एन माइनस वन इक्वल्स टू वन, नंबर वन। इस कर्व पर एक पॉइंट चूज करिए, उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन का इक्वेशन निकालिए। मान लीजिए कर्व का एक पोर्शन है मान लीजिए, और कर्व के एक पॉइंट पर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे। पॉइंट है x1 y1, लेट x1 y1 बी अ पॉइंट ऑन इट, देन x1 अपॉन a होल टू द पावर n अपॉन n माइनस वन प्लस वाई वन अपॉन बी होल टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू वन, नंबर टू। अब एक्स वन वाई वन पर हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालने जा रहे हैं, उसके लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एक्स वन वाई वन चाहिए, उसके लिए डेरिवेटिव चाहिए। तो लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन वन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, we get n upon n minus 1 into 1 upon a into x upon a whole to the power n upon n minus 1 minus 1 plus n upon n minus 1 into 1 upon b into y upon b whole to the power n upon n minus 1 minus 1 equals to 0। तो ये n अपान n माइनस वन यहां से भी कॉमन होकर उधर फेंक दो, इंप्लाइज दैट 1 अपान a इंटू एक्स बाई ए होल टू दी पावर यहां कितना आएगा, ये देखो आएगा माइनस n और प्लस वन, यानी कि 1 अपान n माइनस वन, ठीक है ना, प्लस इंटू y डेज भी रहेगा प्लस वन अपान बी वाई बाई बी होल टू दी पावर वन अपान एन माइनस वन इंटू वाई डेस इक्वल टू जीरो, इंप्लाइज दैट वाई डेस इक्वल टू माइनस वन अपान ए एक्स बाई ए होल टू दी पावर वन अपान एन माइनस वन नीचे वन अपान बी वाई अपान बी होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन, ये आ गया। अब x1 y1 पर स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकाली, इक्वेशन नंबर टू को हम लिख के रखना चाहते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी लास्ट में। x1 अपॉन a होल टू दी पावर n अपॉन n माइनस वन प्लस y1 अपॉन b होल टू दी पावर n अपॉन n माइनस वन इक्वल्स टू वन, नंबर टू। द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट x1 y1 इज m इक्वल टू वैल्यू ऑफ dy वाई बाई डी एक्स एट एक्स वन वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई ए इंटू एक्स वन बाई ए होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन नीचे वन बाई बी और वाई वन अपॉन बी होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन, ठीक है भाई। अब हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालने जा रहे हैं।
इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन या सिर्फ टेंजेंट लिखिए, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एक्स वन वाई वन इज y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू, अब m का मान ये लिखिए बारी से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इंप्लाइज दैट वाई माइनस वाई वन इंटू ए वन बाई बी वाई वन बाई बी होल टू द पावर वन अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस एक्स वन इंटू वन बाई ए इंटू एक्स वन बाई ए होल टू द पावर वन बाई एन माइनस वन। ओके, इस टर्म को भी इधर ही कर लें, इंप्लाइज दैट एक्स माइनस एक्स वन वन बाई ए एक्स वन बाई ए होल टू द पावर वन बाई एन माइनस वन प्लस वाई माइनस वाई वन वन बाई बी y1 by b whole to the power 1 by n minus 1 equals to 0। अब क्या काम किया जाए कि x और y के टर्म को रोक लिया जाए बाईं तरफ, बकिया सबको दाहिने फेंक दिया जाए, यानी ये सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, समीकरण को सरल करने जा रहे हैं। तो टेंजेंट नॉर्मल पढ़ते समय, सरल करते समय ये मेरे टुटका को याद रखिएगा, x और y के टर्म को बाएं रोक लो और बकिया सबको दाहिने फेंक दो। इंप्लाइज दैट जब x का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा x अपान a इंटू एक्स वन अपान ए होल टू दी पावर वन अपान एन माइनस वन। ठीक है भाई, तो x का गुणा इसमें हो गया, अब y का मल्टीप्लीकेशन इसमें कर लीजिए, प्लस y अपान b इंटू वाई वन अपान बी होल टू दी पावर वन अपान एन माइनस वन, ये हो गया इक्वल्स टू, अब x1 से मल्टीप्लाई करिए निगेटिव आएगा, y1 से मल्टीप्लाई करिए निगेटिव आएगा, दोनों को उधर झोंक दीजिए, x1 बाई ए इंटू एक्स वन बाई ए होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन प्लस वाई वन बाई बी इंटू वाई वन बाई बी होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन इक्वल्स टू एक्स वन बाई ए होल टू दी पावर वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन प्लस वाई वन बाई बी होल टू दी पावर वन अपॉन एन माइनस वन प्लस वन इक्वल्स टू एक्स वन बाई ए होल टू दी पावर कितना आएगा भैया, एन अपॉन एन माइनस वन प्लस वाई वन बाई बी होल टू दी पावर एन अपॉन एन माइनस वन, और ये इसकी वैल्यू देखो, इसीलिए उसको हमने लिखा था ना, इक्वल्स टू वन बाई टू, और इसे एक बार फिर से लिख दिया जाए, जरूरत नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, एक लाइन में पूरा एक्सप्रेशन अच्छा लगेगा। दैट इज एक्स बाई ए इंटू एक्स वन बाई ए होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन प्लस वाई बाई बी इंटू वाई वन बाई बी होल टू दी पावर वन बाई एन माइनस वन इक्वल्स टू वन, नंबर तीन। The given line is, given line is x cos alpha plus y sin alpha equals to p, number 4। अब वही हम तर्क देंगे कि अगर ये लाइन दिए हुए कर्व को छूना चाहती है तो ये लाइन दिए हुए कर्व का टेंजेंट लाइन बन जाए, और टेंजेंट लाइन ये है, इसका मतलब ये बन जाए, इसका मतलब ये दोनों समीकरण एक ही हो जाए। तो लिखिए इस बात को, इफ इट टचेज द कर्व
then the equations 3 and 4 must be identical. दो समीकरण अगर आइडेंटिकल हैं तो उनमें गुणांकों के अनुपात बराबर होंगे. रेशियोज ऑफ द कोफिशियंट्स मस्ट बी इक्वल. इट फॉलोज दैट ऐसा लिख के, या दस वी है ऐसा लिख के फिर आगे लिखिए. एक्स का कोफिशियंट बटे एक्स का कोफिशियंट इक्वल्स टू वाई का कोफिशियंट अपॉन वाई का कोफिशियंट इक्वल्स टू प्योर कॉन्स्टेंट अपॉन प्योर कॉन्स्टेंट. तो पहले इसको पकड़ना, हैवी वाले एंटिटी को ऊपर रखना चाहिए, जरूरी नहीं है बस ठीक लगता है. तो इसमें x का कोफिशियंट कितना है, 1 अपॉन a इंटू एक्स वन अपॉन ए होल टू दी पावर 1 बाई एन माइनस वन. इसमें x का कोफिशियंट है cos अल्फा. इसमें y का कोफिशियंट है 1 अपॉन b इंटू वाई वन अपॉन बी होल टू दी पावर 1 अपॉन एन माइनस वन. और इसमें y का कोफिशियंट है साइन अल्फा. इसमें प्योर कांस्टेंट इधर दाहिनी तरफ 1 है और इसमें भी दाहिनी तरफ प्योर कांस्टेंट p है, फुल स्टॉप. इतना आप ढंग से देख लो, लिख रहे हो तो लिख लो, फिर मैं भाषण दूं. ये छूने की शर्त है, दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. तो चूंकि ये देखने से एक लिखावट लग रहा है ना, इसलिए इसको सिंगुलर सेंस में हम बोलते हैं दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. लेकिन ये दरअसल तीन इक्वेशंस है, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. तो तीन में दो ही कह सकते हो आप, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस, क्योंकि ऐसा होने से तीसरा अपने आप हो जाएगा. तो अब इसमें दो दो कंडीशन निकल रही है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस. तो इसको हम बहुवचन के सेंस में ऐसे बोलते हैं, दीज आर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी, दीज आर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी भी आप बोल सकते हैं, दिस इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी भी बोल सकते हैं. हाँ भाई हाँ, ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी तो है, बट दीज आर इम्प्योर कंडीशंस ऑफ टेंजेंसी. इम्प्योरिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स वन वाई वन. क्योंकि आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में कहीं एक्स वन वाई वन की चर्चा नहीं है. एक्स वन वाई वन आप अपने मन से लिए थे ना, तो अपने मन से आपने घुसेड़ा था एक्स वन वाई वन को. अब एक्स वन वाई वन को आप वॉशआउट भी करेंगे, झाड़ू लगा के बाहर भी निकालेंगे, एलिमिनेट भी करेंगे, विलोपित भी करेंगे. तो ये छूने की शर्त तो है, लेकिन ये इम्प्योर कंडीशंस है. और इम्प्योरिटी किसके कारण है, एक्स वन वाई वन की मौजूदगी के कारण है. अब एक्स वन वाई वन को हमें निकालना है, तो एक्स वन वाई वन को निकालने के लिए वही काम आएगा, इसलिए उसको हमने अलग से लिख रखा है. तो आगे बढ़ाते हैं इसको. जब भी आप कंडीशन का कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इस तरीके से एक स्टेप आएगा. तो हम कहते हैं कि यही तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यही तो आपने लिखा है कि यदि ये लाइन इसको छुए तो ऐसा होना चाहिए, हो गई. लेकिन फिर वही प्रश्न उठता है ना कि ये अशुद्ध है, इम्प्योर है. इम्प्योरिटी क्यों है, क्योंकि इसमें एक्स वन वाई वन है जो कि क्वेश्चन में नहीं था. तो एक्स वन वाई वन को हम विलोपित करेंगे, बुहारेंगे, निकाल के बाहर कर देंगे, झाड़ू लगा के. और वो कैसे करेंगे, वो अपना एक टेक्निक होता है, उसे आप ध्यान में रखिए, अभ्यास से प्रैक्टिस से वो आएगा. इम्प्लाइज दैट इस ए को नीचे उतार दे रहा, एक्स वन अपॉन ए होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस वन अपॉन ए कॉस अल्फा इक्वल्स टू वाई वन अपॉन बी होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस वन अपॉन बी साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 बाई पी. अब आप पहला और तीसरा, दूसरा और तीसरा लेकर के ये वैल्यूज निकालिए. एक्स वन बाई ए होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस वन इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा अपॉन पी कामा वाई वन अपॉन बी होल टू द पावर 1 बाई एन माइनस वन इक्वल्स टू बी साइन अल्फा अपॉन पी. अब उसी की मदद लेंगे, एन पावर चढ़ा दीजिए. इम्प्लाइज दैट एक्स वन बाई ए होल टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा अपॉन पी होल टू द पावर एन कामा वाई वन अपॉन बी होल टू द पावर एन अपॉन एन माइनस वन इज इक्वल टू बी साइन अल्फा अपॉन पी होल टू द पावर एन. फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, ऐड कर दो.
implies that x1 by a whole to the power n upon n minus 1 plus y1 upon b whole to the power n upon n minus 1 equals to a cos alpha upon p whole to the power n plus b sin alpha upon p whole to the power n. इसकी जगह क्या लिख दिया जाए, वन, वन इज इक्वल टू ए कॉस अल्फा अपॉन पी होल टू द पावर एन प्लस बी साइन अल्फा अपॉन पी होल टू द पावर एन इम्प्लाइज दैट ए कॉस अल्फा होल टू द पावर एन प्लस बी साइन अल्फा होल टू द पावर एन इक्वल टू पी टू द पावर एन. P टू दी पावर एन से गुणा कर दिए. दिस इज प्योर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, कोई भी ऐसा लेटर इसमें नहीं है जो क्वेश्चन में इन्वॉल्व नहीं था. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं. वीडियो को लाइक करिए. चैनल यदि आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए. बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए अगर आपने अभी तक ना प्रेस किया हो, क्योंकि अभी इस प्लेलिस्ट में ढेर सारे वीडियोस बनेंगे. थैंक यू वेरी मच. बातचीत जारी रहेगी. अगले वीडियो में कोई नया आर्टिकल लेके हम उपस्थित होंगे. थैंक यू.